आज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश और प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी का दंश ठेलते हुए रोजगार के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी जमीन की कीमत मांगने पर प्रदेश के किसान पुलिस की मार खा रहे हैं। मुखौटों के बल पर बनी दिल्ली और लखनऊ की भाजपा सरकारें सपा सरकार में हुए कार्यों का मुखौटा बदल रहे हैं। उन्होंने छात्रों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि जिस सरकार में उठते बैठते छात्रों पर लाठी बरसाई जाए उस देश का मिजाज और उस देश का निजाम कैसे बड़ा बन सकता है। बता दें केकेपी कॉलेज मैदान में पार्टी के पूर्व विधायक विजमा यादव के सुपुत्री की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा के राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में नफरत फैला के राजनीति करना चाहती है और जो संस्थाएं हैं जिन्होंने देश और समाज को बेहतरीन लीडर्स दिए हैं और वो किसी फील्ड के लीडर्स हों, शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में दिए हैं, उसका राजनीतिकरण और अपने स्वार्थ में क्या कैसे लाभ पहुंच सकता है, उस रास्ते पर बीजेपी संस्थाओं को भी खराब कर रही है।